हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में भी इसका डेरिवेशन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो हम कॉनकेव मिरर यूज़ करके इसका डेरिवेशन करते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया। डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, और मैं दो तीन कलर के पेन यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने ए बी, ऊपर वाला पॉइंट को बी बोला, नीचे वाला पॉइंट को ए बोला। ओके, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हुई। और एक और हमने भेजी फोकस के, वो यहाँ पर पहुंची। ये इसकी इमेज बनी बी डैश ए डैश। अभी हम ये सेंट्रो कर्वेचर यूज ना करें तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया हमारा पोल, ये फोकस फोकस पॉइंट। अब यू जो होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी जो होगा वो होगा इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से, और इमेज डिस्टेंस भी हम पोल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये होगा आपका फोकस। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट ए बी एफ, ये हो गया ए डैश बी डैश एफ, इसमें हमको थोड़ा सा अजम्पशन करना है। अच्छा, ये हमने और इसका नाम दे दिया ई जे और इसका एच नाम दे दिया। ठीक है, अब ए डैश बी डैश इक्वल टू जी एच और ए बी इक्वल टू ई जी। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इज इक्वल टू ई जी और ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू जी एच। ओके, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। बी है इमेज डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। ठीक है, अब हमको इसमें साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस यू और इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस वी एंड फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू
माइनस एफ, कब? जब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अभी तो ये तीनों चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, अगर हम साइन कन्वेंशन यहाँ ना भी यूज़ करें तो भी ये गलत नहीं है, पर हम साइन कन्वेंशन यूज़ करके हम मेरा फॉर्मूला डेरिव करेंगे। ठीक है, अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल एफ जी एच, ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल एफ जी एच। अब आप देखिए ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ईच। तो एंगल बी एफ ए इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एफ जी एच, 90 डिग्री ईच। सो ट्राइंगल ए बी एफ इज सिमिलर विथ ट्राइंगल एफ जी एच बाय एंगल एंगल कोरोलरी। एंगल एंगल कोरोलरी से ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल एफ जी एच दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल होते तो उनके साइड के रेशियो क्यों होंगे बराबर। मतलब क्या है इसका, ए बी बाय जी एच वुड बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ जी, ए एफ बाय एफ जी। तो ये अगर यू है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यू माइनस एफ, और ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा वी माइनस एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का वी है, इसमें से ये हटा दे तो ये हो जाएगा वी माइनस एफ। ठीक है, और ए एफ जो है वो किसके बराबर आया है, ए एफ इज इक्वल टू यू माइनस एफ। अगर इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करें तो यू की जगह क्या आएगा, माइनस यू, और एफ की जगह आएगा माइनस एफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस एफ इज इक्वल टू एफ माइनस यू। तो ए एफ की जगह क्या पुट कर देंगे हम, एफ माइनस यू डिवाइडेड बाय एफ जी। एफ जी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि फोकल लेंथ के बराबर है, तो इसको हम लेंगे माइनस एफ, तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस एफ बाय एफ। और हमने ये देखा है जी एच किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस एफ बाय। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल एफ जी एच। नाउ इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एफ ई जी, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एफ ई जी, इसमें भी क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री ईच। तो उससे क्या प्रूव हुआ कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर विद ट्राइंगल एफ
जी, सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर, मतलब ई जी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये देखिए आप एफ की जगह तो क्या आएगा ई जी, ये वाला साइड तो ये माइनस एफ हो जाएगा क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज करके कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, ये क्या है ए डैश एफ। तो ए डैश एफ अगर साइन कन्वेंशन, ए डैश एफ कितना है यू माइनस एफ, साइन कन्वेंशन मिला के अगर इसमें भी हम साइन कन्वेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा वी माइनस एफ, तो हो जाएगा माइनस वी माइनस और माइनस एफ विल बी इक्वल टू एफ माइनस वी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एफ माइनस वी, और ये हो जाएगा एफ अपॉन वी माइनस। ठीक है, और ई जी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश। अब इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर वन और इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर टू। सो बाय यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए डैश ए बी बाय ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस एफ बाय एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको ये एक इक्वेशन मिल गई जो हमने रेशो को इक्वेट कर दिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यू माइनस एफ बाय एफ इज इक्वल टू एफ बाय वी माइनस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्दर सॉल्व करने के लिए, यू माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसके आगे यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया एफ स्क्वायर के बराबर। अब ये एफ स्क्वायर से ये वाला एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी। यह आ गया आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी, इससे हमने डिवाइड करा तो यू वी बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बाय यू वी एफ प्लस एफ वी बाय यू वी एफ। इसकी वैल्यू आएगी वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय, ये भी आपका मिरर फॉर्मूला। देखिए आप मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये मिरर फॉर मिरर का यूज करते हैं हम जब माइनस वी बाय यू के बराबर होता है। ठीक है, तो वी क्या होता है इमेज डिस्टेंस और यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हम मिरर फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और बना सकते हैं। देखिए वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा माइनस वी का,
तो ये हो गया माइनस वी बाय एफ प्लस माइनस वी बाय यू माइनस, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन जो कि माइनस वी बाय यू एम के बराबर, तो एम लिख दिया हमने, एम इज इक्वल टू वन माइनस वी बाय एफ विल बी इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ, ठीक है। अगर हमको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पता है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन जो होगा माइनस बी बाय यू, ठीक है, और वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय बी प्लस वन बाय यू। अब इस पर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस यू का, माइनस यू का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस यू बाय एफ और ये हो जाएगा माइनस यू बाय वी और ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये है, तो वन बाय एम इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय एम माइनस वन, इसको अरेंज करा तो वन माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय एम, तो एफ माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय, तो एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया जब हमको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम सम अप कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वी बाय यू और f अपॉन f माइनस u और f माइनस v बाय, ये मैग्निफिकेशन के रिलेटेड फॉर्मूला हो गए। और ये स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला है वो प्लेन मिरर में भी एज, ये देखिए 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। अब प्लेन मिरर होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफाइनाइट। अगर रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यू इज इक्वल टू माइनस वी आएगा, जो कि हमने प्लेन मिरर में देखते हैं। सपोज कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर एक मीटर की डिस्टेंस पे, तो मिरर के अंदर भी क्या होगा, वो एक मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर ये देखिए u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, ये इमेज डिस्टेंस है वन, ठीक है। ये पॉजिटिव राइट हाफ में है इस मिरर से, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर के जो फॉर्मूले हैं वो प्लेन मिरर में भी वैलिड है। ये मैग्निफिकेशन का आपका इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले, और ये मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। और ये अपने साइन कन्वेंशन का यूज़ करके डिराइव करा है। जब हम कॉन्वेक्स मिरर भी लेंगे तो उसमें भी सेम हमको मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन मिलेगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और आपको पूरा डिटेल उसका जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी। Thank you so much.